सतना तनु वाखे गुरु साखिब जियो हम महल तुम उजल करते हम निर्गुण तू दाता हम महल तुम उजल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे तू सर्व कला का ज्ञाता माधव हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकुर देशा दंडौत बंदन अनिक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हाथ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हाथ परम सम्मान योग समरथ सतगुरु सद सुनदा सद वेखदा शब्द रहा भरपूर श्री गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर संध्या तो सजे हुए गुरमत दीवान दी आप जी हाजरी भर रहे हो। सन्मान योग भाई सरबजीत सिंह जी हजूरी कीर्तनी दरबार साहब भाई साहब भाई सरबजीत सिंह जी दुर्ग रंगीला जी आप जी नू अमृत गुरबाणी कीर्तन सरवण करा रहे सन। कीर्तन दी समाप्ति उन्होंने सतगुरां दे इन्हां बचनां नाल कीती ऐसी प्रीत करो मन मेरे आठ पहर प्रभ जानो नेरे। उंज तां प्रीत शब्द बहुत असी पंजाबी च वरतने आ पर दुनिया दी प्रीत इसने एक दिन खत्म हो जाना है। परमात्मा नल कीती हुई मुहब्बत शरीर दे खत्म होण तो बाद भी नहीं मुक सकती। गुरु ग्रंथ साहिब च एक बचन है प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना। शब्द प्रीत प्रीत गुरिया गुरिया का अर्थ वड्डी उत्तम
जिस दे तुल होर कोई नहीं। इस संसार विच प्रीतां दे जां प्यार दियां अनेकां उदाहरणां ने, जिवें सारियां नूं गुरु ग्रंथ साहिब जी ने सानूं समत दित्ती, मां पुत्तर दी प्रीत, पति पत्नी दी प्रीत, धन दी ते किरपन दी प्रीत, मच्छी ते पानी दी प्रीत, भवरे दी ते फुल दी प्रीत। पर सच ए वे इन्हां सारियां प्रीतां तो जिहड़ी श्रेष्ठ प्रीत है, उत्तम प्रीत है, वह है पार ब्रह्म परमेश्वर नूं मुहब्बत करनी। ते इत्थे हजूर दा बचन आप सरवण कर रहे सी कि प्रीत एहो जी कर। मेरी बेनती ध्यान नाल सुनियो, मैं हालांकि प्रकरण आप सब नूं पता है, असी शुरू कीता, ए तन माया पाहिया प्यारे लीतड़ा लभ रंगाए। पर जदों भाई साहब पढ़ रहे सन कि ऐसी प्रीत करो मन मेरे, उंज बाणी च उदाहरणां दित्तियां ने, मन एहो जी प्रीत कर। फिर बेनती सुनियो, जो उस दिन क्या रे मन ऐसी खरशों प्रीत कर जैसी मछली नीर, रे मन ऐसी खरशों प्रीत कर जैसी जल दुध होए, रे मन ऐसी खरशों प्रीत कर जैसी चात्रिक मेह। पर इत्थे तां एग्जाम्पल ही कोई नहीं दित्ती। फिर बेनती मेरी सुनियो, शब्द है ऐसी प्रीत करो मन मेरे, इत्थे कुछ नहीं कहा भी चात्रक दी तरह, मच्छी दी तरह, भवरे दी तरह। इत्थे सीधी गल वरती भी आठ पैर प्रभ जानो नेरे, जिवें किसे विछड़े होए नूं मिल जाइए। ते आपां कहने आ मैं तैनूं दिलों मुहब्बत करना, पर गुरमुखो महाराज कहिंदे इहो जी प्रीत कर कि अठे पैर परमात्मा तेरे हिरदे विचों कदी विसरे ना। फतेह बुलाउण तों पहलां, क्योंकि मैं श्रीमान भाई वीर सिंह जी नूं उन्हां दी लिखत नूं बहुत मुहब्बत करना, अंदर सुक्या होवे अत दा, ते सच एवे बंदा अरदास करके उन्हां दी लिखत दा कोई भी, चाहे टीकाकारी है, चाहे कविता है, चाहे उन्हां दी वार्तक है, कोई भी दो पेज तुसी पढ़ लो, सुक्का होया मन जिहड़ा इक्को दम ताज़ा तरो ताज़ा हो जाएगा। उन्हां दा एक बचन है नज़म रूप, लगे प्यार तां प्यारड़ा पास वसे, ऐसी प्रीत करो मन मेरे। मैं सिर्फ एक उदाहरण लई है, लगे प्यार तां प्यारड़ा पास वसे, कदी अखियां तो ना होए ओले, पंजाबी दे शब्द ने। लगे प्यार तां प्यारड़ा पास वसे, कदी अखियां तो ना होए ओले, कदी अखियां तो जे होए ओले, सूरत उस दी दिलों ना होए ओले। इहदा मतलब प्रतख दिस रहा है, ते जे किते दिस नहीं रहा ते उहदी जिहड़ी सूरत है, ते दो शब्द आउणे ने, एक सुरत ते एक सूरत, उहदी सूरत उहदी शकल मेरे अंदरों कदी ना दूर जाए। फिर बेनती, लगे प्यार तां प्यारड़ा पास वसे, कदी अखियां तो ना होए ओले, कदी अखियां तो जे होए ओले, सूरत उस दी दिलों ना होए ओले, सूरत उस दी दिलों जे होए ओले, नाम जीव तो कदे ना होए ओले। मान लो कदी इहो जिहा समा आ जांदा है, उस सूरत भी सानू भुल जांदी, ते उत्थे शब्द वरतिया उहदा नाम साडी जीव तो कदी ना जाए। सूरत दे तो सुरत जिहड़ी है उह सिमरन जुड़ी रहे, लगे प्यार तां प्यारड़ा पास वसे, कदी अखियां तो ना होए ओले, कदी अखियां तो जे होए ओले, सूरत उस दी दिलों ना होए ओले, सूरत उस दी दिलों जे होए ओले, नाम जीव तो कदे ना होए ओले, नाम जीव तो कदे जे होए ओले, सुरत दे तो शाला तद होए ओले। मेरी बेनती, जिहड़े सरल शब्द समझने वाले पंजाबी, ते मैं ये बेनती करनी है कि आप बैठे हो सूझवान, बच्चों ते बहुत जोर दे रहे हो, हाथ जोड़ के बेनती है कि जेड़ा अपने बच्चों नू गुरमुखी सिखाएगा, मैं पंजाबी नहीं शब्द कह रहा, क्योंकि पंजाबी तां देवनागरी विच भी लोग लिखन लग पए,
पंजाबी तां मैसेज अंग्रेजी रोमन विच भी लोग लिखन लग पए आ, पंजाबी तां शाहमुखी विच फारसी विच लिखी जा रही है, पर जिहड़ा बंदा गुरमुखी सिखां नूं बच्चियां नूं चेते कराएगा गुरमुखी दृढ़ कराणी सतगुरु की सेवा होवेगी। मैं फिर अर्ज करा इत्थे शब्द वरतिया लगे प्यार तां प्यारड़ा पास वसे, कदी अखियां तो ना होए ओले, कदी अखियां तो जे होए ओले, सूरत उस दी दिलों ना होए ओले, सूरत उस दी दिलों जे होए ओले, नाम जीव तो कदे ना होए ओले, नाम जीव तो कदे जे होए ओले, सुरत दे तो। इस तुक नूं सुनियो, इत्थे सुरत अर्थ जिंद, कि जिस दिन तेरा नाम साडी रसना तो भुल जाए फिर जी के की लैना, एदू चंगा इस देह दे विच्चों जिंद ही निकल जाए। एहो जी प्रीत कर, नाम जीव तो कदे जे होए ओले, सुरत देह तो छाला तद होए ओले। भाई साहब ने पढ़िया अज एक तां, चलो इत्थे शाम है, अज धन गुरु अमरदास महाराज जी का गुरियाई दिवस भी है, असी उन्होंने भी चरण परसने हैं। जिहड़ी विचार आपां शुरू कीती है, आप संगत असीस बख्शो, कोई रसना विरवी वांझी ना रहे, प्यार अदब सहित गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो और उच्चारण करो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। परसों तो आपां ये विचार प्रारंभ कीती है, उस दिन भी मिथ के नहीं सी कि भाई साहब जी ने शब्द प्रमाण दिता कि जिनके चोले रतड़े प्यारे कंत तिना कै पास। सतगुरां ने मेहर कीती, उस शब्द नूं आधार बना के आपां विचार शुरू कर ली। कल शब्द दे आरंभक जिहड़ियां दो तुकां ने उहनां नूं असीं वाचिया विचारिया, ए तन माया पाहिया प्यारे, ए तन मैं अर्थ कीते सन, एक बाहर मुखी तन दे अर्थ शरीर, पर अंतरीव अर्थ ने जिहड़ा तेरा अपना सूक्ष्म शरीर है उस नूं माया दी पाह चढ़ी है, ते अंदर वाला जिहड़ा मन कपड़ा है वह लालच दे रंग विच रंगिया है। ए तन माया पाहिया प्यारे लीतड़ा लभ रंगाए, कल अर्ज कीती सी गुरमुखो जिथे लालच होवेगा उत्थे याद रखियो हमदर्दी ते मित्रता नां दा कोई शब्द नहीं हुंदा। इस बेनती नूं फिर सुनियो, वह परिवार विच होवे, वह कौम विच होवे, वह सोसाइटी विच होवे, जिस थां ते लालच वाली बिरती आ गई उत्थे कदी आस ना करियो भी दिलों कोई मुहब्बत करेगा, क्योंकि लालच दा ते पाप दा आपसी रिश्ता है, लालच दा ते सवार दा रिश्ता है। इस करके बाबा फरीद साहिब महाराज जी ने कहा कि जिवें टुटे को छप्पर ते मीह पए उहदे थले किन्ना कु समा बंदा रुक सकदा है, टुटी को छप्पर दी छत अज भी टुटी कल भी टुटी, जिहड़ा बंदा स्वार्थ करके मुहब्बत करदा है उहदी मुहब्बत कदी सिरे नहीं चढ़दी हुंदी। जां लब तां न्यो कहा बाबा जी ने कहा, प्यार ते लालच कट्ठे नहीं रह सकदे, लब तां कूड़ा नेहो किचर ढट लंघाई है छप्पर टुटै मेहो, जिवें टुटी कोई झोंपड़ी छपरी जिहदी छत टुटी है ते मोहले तार बरसात हो रही है, किन्नी को आस करांगे वो छत सानू सहारा दे देगी, जिवें बारिश विच टुटी कोई छन छपरी झोंपड़ी, मैं लब सारे वर्त देना वा, उहदी कोई आस नहीं सानू मीह तो बचा सके, लालची बंदा ते दिलों मुहब्बत कट्ठे कदी नहीं रह सकते। जिथे लालच होवेगा उत्थे स्वार्थ होवेगा, उत्थे पाप होवेगा। महाराज जी ने ते शब्द वरत्या, लीतड़ा लभ रंगाए मेरा कंत न भावै चोलड़ा प्यारे क्यों धन सेजै जाए, पहला पदा से। हुण इस तो अगला पदा है, अगला बचन है, हौं कुरबानै जाऊं मेहरबाना, हौं कुरबानै जाऊं। मैं सिर्फ अज इस रहाओ की तुक संबंधी अर्ज करनी, लफ्जी अर्थ बड़े सरल ने जी,
क्योंकि साड़ी आम बोलन वाली पंजाबी है जी, हों कुरबाने हों दा अर्थ मैं, लफ्ज़ कह कुरबान। वैसे यदा अर्थ असी निशावर होना, फिदाक होना, बलिहार जाना, अपने आप यूं कह लो चौखनीए होना, बाणी ने शब्द वरते है। पर उंज कुरबान लफ्ज़ जिहड़ा है अरबी का शब्द है, यदा अर्थ कुरब नेड़े होना किसी दे। कुरबान का अर्थ है कि वह अपने वालों भेटा समर्पित करनी, जिन्हों मुहब्बत करने वो नेड़े हो सकी है। सीधा इतने कुरबान का अर्थ है जी अपने आप नूं तो फिदा कर देना। महाराज गुरु नानक साहब के शब्द सुनो, खौ कुरबानै जाओ मेहरबाना, मैं कुरबान जाना हाँ। किदे तो जी, पहला शब्द वरत्या मेहरबाना, फिर बेनती मेहरबान परमात्मा तो, हौ कुरबानै जाओ मेहरबाना, खौ कुरबानै जाओ। बेनती सुनियो जी ध्यान नाल, भावें शब्द आप बड़ी बारी रोज़ पढ़ते हो गए, मैं कुरबान जाना मेहरबान तो, फिर महाराज शब्द वरतने खौ फिर कुरबान जाना खा, हौ कुरबानै जाओ मेहरबाना, खौ कुरबानै जाओ, खौ कुरबानै जाओ तिना कह लैण जो तेरा नाओ। तीजी बारी फिर आ गया, हौ कुरबानै जाओ तिना कह, मैं उन्हां तो कुरबान जाना, मेहरबान जी तेरे तो बलिहार जाने ही जाना, पर जेड़े सज्जन तेरे नाम विच भिजे हुए ने मैं उन्हां तो भी कुरबान जाना। फिर चौथी बारी फिर क्या, हौ कुरबानै जाओ मेहरबाना, खौ कुरबानै जाओ, खौ कुरबानै जाओ तिना कह लैण जो तेरा नाओ, लैण जो तेरा नाओ तिना कह हौ सद कुरबानै जाओ, मैं उन्हां तो सदीवी काल वास्ते सदा लई कुरबान जाना। इमोशनल होके नहीं कि मैं अज कुरबान जाना कल नूं निंदिया करांगा, अज मैं प्रभावित हो गया मैं कुरबान जाना कल नूं मैं पछतावा करांगा। हजूर कहिंदे नहीं, जेड़े तेरे नाम नूं जपदे ने, तेरा सिमरन करदे ने, मैं सदा लई उन्हां तो कुरबान जाना बलिहार जाना। इहदा मतलब एक परमात्मा तो बलिहार, ते दूसरे जेड़े रब जी का नाम जपदे ने उन्हां तो कुरबान जा रहे। इस बेनती नूं फिर ध्यान नाल सुणियो, शब्द आया हौ कुरबानै जाओ मेहरबाना। जिहड़ा मेहरबान शब्द है ना जी, ये रब की बड़ी वड्डी बख्शीश है। मेहरबान दे लफ्ज़ी अर्थ आपां दयालु करने आ, कृपालु करने आ, बख्शिंद करने आ, रहमत करन वाला करने आ। सच एवे कि मेहरबान शब्द जदों असी पढ़ने आ, विचार करने आ, साडे अपने कर्मां वल झाती मारीए तो अंदर डरदा है, क्योंकि हर बंदे नूं अपने कर्मां दी सूची उहदे कोल है। ये गल वक्री कोई मचला बन जाए मैनू नहीं पता, जिसनों रब ने अंदर दी जे सुरत सोझी दिती है ना, भावें वह बुढ़ेपे चला जाए, 90, 95, 100 साल तक चला जाए, पर उस बंदे नूं अपनी जिंदगी दी जिहड़ी फट्टी है, जिन्ना कुछ उन्हें काला लिखा एक एक गल दी उहनू समझ है। पर जदों शब्द मेहरबान आउंदा है ना जी, उदों फट्टी वल ध्यान नहीं जांदा, उदों फिर मेहरबान दी मेहर वल ध्यान चला जांदा है, कि वह मेहरबान है। बेनती सुनो, खौ कुरबानै जाओ मेहरबाना, मेहरबानता दयालता कृपालता, पर उसकी मेहरबानता की है? मेहरबान शब्द बहु अर्थ रखता है। गुरमुखो मैं आज सोच रहा सां, जे कल्ले मेहरबान शब्द की 7 दिन कथा करी जाओ, महीना कथा करी जाओ, सारी जिंदगी करी जाओ, मेहरबान शब्द जिंदगी दे हर पड़ां उत्ते साडे ते टुकदा है। परमात्मा की मेहरबानता सब तो पहली गल, उस मेहरबान ने मेहर की। मैं कुछ कु उदाहरण बाणी चो लाँगा जी, असी कि जी परमात्मा मेहर की नहीं, क्योंकि साडे आपो अपने अंदर की सोचन की समर्था है। गुरु साहब कहिंदे ने, जे तेरे ते मेहर नाना हुंदी ते तेनू आ पंजां तत्तां दा शरीर ना मिलदा। सब तो पहली मेहरबान ने तेरे ते मेहर कीती, कृपालता दयालता कीती, तेनू आ पंजां तत्तां दा शरीर दे दिता। ये भी सच एवे, उहदी मेहर तो बिना नहीं मिल सकता। आप सूझवान बैठे हो, जिस वक्त मेरा तुहाडा इसनू मेल फीमेल धर्म नाल जोड़ के ना देखियो, जदों भी आदमी दे शरीर दा ए वजूद होया जां ए वजूद बनिया,
मां दे उदर च एक निक्का जिहा सिर्फ कतरा है, निक्का जिहा सैल है, इहदे वर्गे पता नहीं किन्ने कु सैल इक्को वार आए, बाकी सारे क्षीण हो गए, नष्ट हो गए। तो रब दा शुक्र कर, उन्हें मेहर करके तेनू शरीर धारण करन दा मौका दे दिता। पहली गल मेहरबान तो मेहरबान है ना कि उसने मेहर की आ, तन मिलया। इस करके गुरबाणी फिर इस दात नू दुलंब दुर्लभ ते वडभाग नाल जोड़दी है। दुलभ दे पाई वडभागी, गुरबाणी बचन कर दी मानस शरीर जिहड़ा है, मानस जन्म दुलंब गुरमुख पाया, किड्डी वड्डी गल कही कबीर। मानस जन्म दुलंब कह होए ना बारह बार, ज्यों बन फल पाके भुई गिरह बौर ना लागे डाहर। सब तो पहली उन्होंने मेहरबानता मेहर की, सानू ये तन दे दिता, ये शरीर दिता। पर अगली बेनती सुनियो, उस विच जरिया मां बनी है पर बेचारी उद्दम आप नहीं कर सकी। इस नुकते नु क्योंकि मैं मेहरबानता तक संखेप जी, फिर कितने मौका बलिया मेहरबान शब्द ही इन्ना डूंगा, बस मेहरबान शब्द का पला नहीं छड़ना। मेरी बेनती है अपने कर्म का दावा नहीं करना, ओदी मेहरबानता का दावा करना है। फिर बेनती, ओदी मेहरबानता का अपनी करनी कर नरक हूं ना पामू ठौर, तुमरो बिरद कर आसरो समार हूं, जे मेरा करनी ना मां देखे वाहगुरु मैनू नरक विच भी थां ना मिले, पर जदों तेरी मेहरबानगी वेखा तो मैनू कोई सजा दे नहीं सकता। मैं तां कि अपने कर्म नहीं ओदी मेहरबानी। बेनती है सब तो पहली गल मैं फिर अर्ज करांगा, हाओ कुरबाना जाओ मेहरबाना। क्यों मेहरबाना? क्या दे ही दिती हर इंसान। सच एवे कि ओदी दयालता एवे, गुरु नानक साहब का पहला बचन जिहड़ा पौड़ी पढ़ने आसा की वार च, परमात्मा जी करते पहला ने के दाते पहला ने। फिर बेनती सुनियो, करते दा अर्थ बनाउण वाला जिन्हें किरत कीती, ते दाते दा अर्थ दाता देण वाला। गुरु नानक साहब जी ने जदों परमेश्वर जी की रहमत दा मेहरबानगी दा जिक्र कीता, उहदे विच तोके वर्ती दाता करता आप तू, तुस देवें करें पसाओ। फिर बेनती, दाता करता, करता दर ते किरत करन वाला, तुसी ए शरीर बाद विच जन्म दिता, पर जन्म देन तो पहला सच एवे इन्नी मेहरबानी कीती, इहदे दंद कोई नहीं, चबण जोगा कुछ नहीं। मेरे मालका तू इन्नी मेहरबानी कीती, जन्म बाद विच होया, मां दे सीने विच इहदी खुराक तू पहला ही पैदा कर दित्ती। फिर बेनती, दाता पहला करता बाद विच जी, दाता करता आप तू, तुस देवें करें पसाओ। एक बचन हुंदा है, पहलों देता है रिजक समा, पिछों देता है जंत उपाह। तुहाडी मेहरबानगी वाहगुरु जी, जीव बाद विच पैदा होया, इहदा रिजक तुसी बना दिता पहला। गुरु अर्जुन साहब जी का बचन है, प्रथम है माखन पाछ है दूध। ये शब्द रामकली राग विच है, प्रथम है माखन पाछ है दूध। फिर बेनती सुनियो, मैलो किनो साबन सूद, ये मेहरबानगी है। मैं एक बार कहा सी जी, दुध नूं जाग लाया दही जमदा है, दही नूं रिड़क के मक्खन निकलदा है, पर कदी किसी ने यह कहा जी मक्खन नूं पिघला के दुध बन जाता है? फिर बेनती कि दुध नूं जाग लावांगे तो जम के दही बन जाएगा, दही नूं रिड़कांगे तो विच्चों मक्खन निकल आएगा, मक्खन नूं तपावांगे ते घिओ बन जाएगा। पक्का घिओ साडे पिंडां च कहिंदे सन, घिओ बन जाएगा। पर कदी किसे ने मक्खन नूं पिघला के यह कहे जी दुध बना देना है? गुरु साहिब कहिंदे ने मेहरबानगी उस दी कि असल च तेरे जन्म तो पहला परमात्मा ने तेरी खुराक मां दे सीने विच मक्खन दी तरह जमा दित्ती है। जिद्दन तेरा जन्म होया उन्हें इहनूं पिघला के मक्खन नूं दुध बना देना है, ते इस तरह बना देना चिट्टा कि जिमें साबण नाल धोतिया मैले कपड़े चिट्टे हो जाते हैं। यह मेहरबानगी है। प्रथम है माखन पाछ है दूध, मैलो कीनो साबन सूद। मेरी बेनती फिर सुनियो, इस तों अगे किड्डी मेहरबानगी की जी उन्होंने। असी कुछ मंगया नहीं सी कि सानू अंग इहो जिहा दिओ, नहीं, महाराज जी ने कृपा की, जिन कन कीते अखी नाक, जिन जेवा दित्ती
बोले तात, ये भी तो मेहरबानगी है। सब जियो पिंड मुख नक दिया, वर्तन को पानी, अन्न खाना, कपड़ पहनन दिया, रस अन्न पोगाणी, ये भी परमात्मा की मेहरबानगी है। उन्हें सानू खान नू, भोजन पान नू, कपड़ा रहन नू धरती दिती। गुरु साहब कहिंदे ने उस मेहरबान ने तेरे ते मेहर कीती। इस तो अगली बेनती मैं ये होर करांगा कि उसकी मेहरबानगी एक है। सच्चे पातशाह जी की बाणी विच एक बचन आता है, मेहरबान साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान। महाराज कहते मेरा मालक मेरा वाहगुरु मेहरबान है, जी सगल को दे दान। वो इन्ना मेहरबान है, हर एक जीव नू रोजी देंदा पिया है। देखो बंदा बंदे का कोई नुकसान करे तो इंसान उन्हों सारी जिंदगी मिलना नहीं चाहता, मदद तो बड़ी दूर की गल। उस गल नू सच्ची जी भुलिया भी नहीं जा सकता। कई साल तक वह चेहरा ज वह शरीर सामने आवे, खून का रिश्ता आए, कोई होवे, इक्को दम वह गल जेन च ताज़ा हो जाती है तो उ फुरना बन लग पैंदा। नहीं, इनू नेड़े नहीं लाना, इहदे ते भरोसा नहीं करना। पर सच्चे पातशाह कहिंदे ने इन्ना मेहरबान है, असी सवेरे पाप कर्म करने आ, वह इग्नोर करके रात नू फिर रोटी दे दिंदा है। वह नहीं कहिंदा मैं ते नेड़े नहीं लाना। उसकी मेहरबानगी है कि दिनन की प्रतपाल करै नित संत उबार, गनीमन गारै पश पशु नग नाग राधब, सर्व समय सब को प्रतपारै, पोकत है जल में थल में पल में कल के नहीं। कर्म विचारा क्योंकि मेहरबान है ना, वो कर्म नहीं विचारदा किसी दे। महाराज कहते दीन दयाल दया निध, वह गरीबा ते दया करने वाला दया का खजाना है। अगले बचन ने दोखन देखत है, वह गुना वेखते ने। मेरी फिर बेनती सुनियो कि अज भी बजुर्ग साढ़े राह च असी जो गल करते कोई भी वेख के अणडिठ करना, असी रोज़ अरदास कहने करने ना, देख के अणडिठ किया, तिना की कमाई का ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु कहने। प्यारो जिन्ना रब वेख के अणडिठ करता इन्ना किसी ने कर लेना। इथों तक आ निक्की जा दाना है ना जी, दाना ते उस दाने विच जेड़ा सानू कीड़ा कीट, मैं शब्द वरता, जेड़ा अखां नाल दिखाई नहीं देंदा, जिन्हों निक्का जा सैल कह लो अदृष्ट चेतना है पर अखां नाल नहीं दिसदा। मेरे सतगुरु कहिंदे नहीं, दाने दे विच बैठे हुए कीड़े जेड़े बंदे नू नहीं दिसदे, मेरे रब नू दिसदे पए ने। प्यारो जेड़ा निक्के तो निक्के जीव दे उत्ते जिहदी नज़र है, आ साडा 6 फुट का शरीर, 4 फुट का शरीर जिहड़ा सारा सामने दिसदा, परमात्मा सब कुछ देख के वेख के भी अखां मीट के इग्नोर कर देंदा। फिर बेनती है जी, खसम है नदरी कीड़ा आवै जेते चुगै दाने, दीन दयाल दया निध, दोखन देखत है गुनाह देख रहे ने पर देत ना हार है, यही तो उहदी मेहरबानगी है। गुनाह देख के भी इक अकिरत घणा नू पालदा, प्यारो अकिरत कणा नू भी रोजी देंदा है। ये अपने गुण कोई नहीं, परमात्मा की मेहरबानगी है। इस तो अगली बेनती रोजी तो इलावा, सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने ना जी जो जफरनामा हजूर लिखते हैं, जिन्हों असी जित जी चिट्ठी कहने, साढ़े एक विद्वान ने दे अर्थ पिछे जे एक होर किते, असी जिमें जफरनामा जित की चिट्ठी, पतनामा का अर्थ पत्र, जिमें हुक्मनामा, इस तरह वह कहने इनू जित की चिट्ठी कहण की बजाए जित का ऐलान कहना बहुत दुरुस्त रहेगा। लफ्ज उही ने कि जित का ऐलान, तो गुरु साहब के पहले जेडे 2 शेर ने वह खास करके मेहरबान परमात्मा की मेहरबानगी की व्याख्या करते हैं। पहला शेर है, कमाल ए करामात कायम करीम, रिजा बख्श राजक रिहा कुन रहीम। दूसरा शेर है, अमां बख्श बख्शंद ओ दस्तगीर, खता बख्श रोजी देखो दिल पजीर। थोड़े जमे दे अर्थ कर देना, क्योंकि मेहरबान शब्द के सारे गुण मेहरबान दे इन्ह 2 शेरों में सतगुरु ने कह दिते। तो मैं शायद आप जी ने एक बार बेनती की जी, जफरनामा चिट्ठी औरंगजेब नू लिखी जा रही है,
क्योंकि पहले जिहड़े 11 शेर ने वह दास्तान तो वक्रे ने, चिट्ठी के मजमून तो वक्रे ने जिहड़े 11 शेर ने। उदू बाद फिर चिट्ठी हजूर दास्तान शुरू कर दिया बकायदा, जो जफरनामा है जी, जो सतगुरां दा जफरनामा सुन दर्शन होंदे आ, पहली शुरुआत है 11-12 शेरां तो बाद अगे सतगुरु फिर लिख दिया दास्तान। इहदा मतलब कि हुण तैनू वह सारी कहानी तैनू हिस्टरी दसन लगा। दास्तान शुरू हुंदी है मारा इत बारे बरी कसम नेस्त के एजद गवाह अस्त यजदा यकेस्त ना कतरा मरा इतबारे बरोस्त के बख्शी वा दिमा खमा किजब गोश्त। ये परसों होले महल्ले वाले दिन अर्ज करांगा थोड़ा जिहा। हुण पहला जिहड़े शेर ने वह औरंगजेब नूं ते संबोधन ही कीते, उहनूं संबोधन इस शेर तो करदे ने, मरा एतबारी बरी कसम नेस्त तेरी चुकी कोई सौं ते भरोसा नहीं करना चाहीदा, क्योंकि खुदा इस गल दा गवाह है कि तू रब दियां कुरान दियां कसमां चुक के मुकर गया। पर पहले शेर विच तां औरंगजेब नूं संबोधन नहीं कीता। मैं दो शेर पढ़े ने, कमाल ए करम, फिर बेनती सुनियो, मैं विषय तो दूर नहीं जा रहा। मेहरवान सहे मेहरवान पढ़िया, खाओ कुरबाना जाओ मेहरवाना। पहला शेर है कमाल ए करामात खायम करीम रिजा बख्श राजक रिहा कुन रहीम। ये लफ्जी अरदास इस करके ने भी आपां परशियन का प्रगटावा कर ली। मैं इस करके बेनती की है कि जेडे पहले 11 शेर ने यह औरंगजेब के मूँह से, मैं अपने लफ्ज वरतागा, औरंगजेब के मूँह से एक समझो शब्दों की वह चपेड़ मारी कि अज तक किसी ने इस तरह चिट्ठी बादशाह नहीं लिखी जी गुरु गोबिंद सिंह ने लिखी है। आप कहेंगे चपेड़ क्यों मारी? जदों बादशाह चिट्ठी लिखी जाती सी जी, उ उहदी इबारत उंज वैसे गुरसिखो याद रखियो, यतन मैं कर रहा, बाबर दे हमले नाल चार शब्द संबंधित। पहले सतगुरु गुरु नानक साहब दी बाबर नूं बंगार ते दसवें पातशाह दा जफरनामा, दोनों नूं बराबर रख के कदी व्याख्या करके देखियो जो बाबर वाणी विच क्या उहदी संपूर्णता जफरनामे विच होई है। हजूर ने इत्थे शब्द क्यों वरते कि कमाल ए करामात कायम करीम? असल च कारण यह वे, जदों बादशाह नूं कोई चिट्ठी लिखदा तो उहनूं अपनी चिट्ठी दे विच पहला बादशाह की सिफत करनी ही पएगी, भावें उहदा मन मन्ने ना मन्ने चिट्ठी लिखण वाले का, पर उहनूं कहना पएगा जहां पनाह हर दो आलम शाह प्रजा पालक इत्थों तक रिजक दाता। मेरे सतगुरां ने पहली बख्शिश की जी, उन्होंने पहला शेर लिखा तो इस विच उन्होंने औरंगजेब नूं रिजक दाता परजा पालक बिल्कुल नहीं लिखा। उन्होंने शब्द वरत्या कमाल ए करामात, उंज कई बार सज्जन कमाल ए करामात पढ़ते हैं जेर लगे थले, कमाल ए करामात इहदा लफ्जी अर्थ है तू करामातां दा शिखर है परमात्मा, हे मेरे वाहगुरु मेरे रब जी, जिहड़ी शक्ति तेरी है तेरिया करामातों का कोई था नहीं पा सकता, जो कुछ बंदा सोच भी नहीं सकता तू वाहगुरु जी सृष्टि उत्ते वह कुछ प्रतख कर देना है। हुण साडी समस्या ये वे, गुरमत की व्याख्या भी जिहड़ी किताब मैं पढ़ी है, जिहड़ा मैनू पता है, मैनू मेरी नॉलेज ही आखिरी सच लगती है, पर सतगुरु कहिंदे नहीं। हुण कई वारी कहिंदे जी ये हो नहीं सकता, जदों बंदा कहिंदा हो नहीं सकता सचमुच इंज लगता भी ये सबल सर्वकला सम्राट तेनू हर गल का पता है। फिर शब्द सुनियो, मैं रिपीट कर लगा, जदों जी कहने हो नहीं सकता इहदा मतलब इहदा इहदे कोल सारी नॉलेज हैगी है दोवें पक्ष। मैं चलो एक निक्की जी ये साखी है महात्मा बुद्ध दे जीवन की। महात्मा बुद्ध कोल कोई कथा करन वाले पंडित जी आ गए, वह महात्मा बुद्ध नूं सुनिया नहीं, उन्हें पैंदी सत्ते महात्मा बुद्ध कोल बैठिया जिहड़े शब्द कहे वह तीन कहे, वह शब्द सन कि आप जैसा ना कोई था ना कोई है ना कोई होगा। उन्हें इस करके सिफत की महात्मा बुद्ध खुश हो जाएगा कि ना कोई था ना कोई है ना कोई होगा। जदों दो बार उन्हें शब्द दोहराए तो महात्मा बुद्ध बोले, कहन लगे अनपढ़ आदमी झूठ बोले तो पाप,
पंडित विद्वान झूठ बोले तो वज्र पाप। वह बंदा का रंग पीला जा पै गया भी मैं तो सिबत की भी आप जैसा कोई ना था ना है ना होगा। तो उन्हें कह दिता आम आदमी झूठ बोले तो पाप, पंडित विद्वान झूठ बोले तो वज्र पाप। वो चुप कर गया। अगली गल उन्होंने कही, कह लगे पंडित जी आप त्रैकालदर्शी हो, तुसी तिना कालां दी गल कीती है हुणे कि आप जैसा ना को था कि तुसी भूतकाल दे जानकर हो, जिन्ने बुद्ध पहला हो चुके ने तू सारिआं नूं जानना। बुद्ध का अर्थ जिहड़ा ज्ञान नूं प्राप्त कर गया, नाम ते सिधारथ सी ना कि जिन्ने बुद्ध अज, क्योंकि गुरबाणी ने इस गल का खुलासा किया। वेखो गुरु साहब ने यह नहीं कहा एक महात्मा बुद्ध होया, महाराज कहिंदे ने पता नहीं किन्ने को बुद्ध किन्ने को सिद्ध ते किन्ने को नाथ रब ने पैदा किए। कहिंदे की तैनू पता है मेरे तो पहला किन्ने बुद्ध होए, कि तैनू पता है मेरी इस मौजूदगी विच इस धरती ते किन्ने को बुद्ध इस वेले ने, मैं मशहूर हाँ पर जिथे मेरी सुरत पहुंची पता नहीं किन्निया को दी होर घर बैठिया दी पहुंची होवे। तीसरी गल, तू भविख बारे जाणू है कि मेरे तो बिना किसी बुद्ध नहीं होना। कहिंदा नहीं जी मैं त्रैकालदर्शी नहीं। कह लगे फिर झूठ नहीं बोलना चाहिदा, रब दी खेड असीम है, वो तो एक खिन विच मेरे वर्गे अनगिनत बुद्ध पैदा कर सकता है। चलो मैं उन्हां भावें रब नूं नहीं मानते पर उन्हें शक्ति की गल की। मैं आप नूं बेनती करांगा कि कमाल ए करामात, करामातां दा शिखर। ते शिखर दा मतलब कि जो बंदा ना सिद्ध कर सकदा ना सोच सकदा परमात्मा वो कुछ कर देंदे ने। इसे गल करके कि कमाल ए करामात दे जे अर्थ पढ़ने होण तां गुरु नानक साहिब दा बचन पढ़ो, सीआं बाजां चरगां कुईआं इहनां खवाले खा। एदू वड्डी शिखर दी करामात की है जी? जिहड़े जीव मांस खाण वाले ने परमात्मा तुसीं सवाद तब्दील करके उहनां नूं घा खाण ते मजबूर कर देंदे हो, ते जिहड़े घा खाण वाले ने उहनां नूं मांस खाण ते मजबूर कर देंदे हो। जिथे रेत दा कण नहीं, मिट्टी दा जर्रा नहीं, समुंदरां विच टिब्बे पैदा कर देने, ते जिथे कई सदियां दा मारूथल है उत्थे झीलां पैदा कर सकना, तेरी करामात दा कोई अंत नहीं पा सकता। फिर बेनती है, सीआं बाजां चुगां चरगां कुईआं इहनां खवाले का, कां खाण ते ना मांस खवाले, ए चलाए राह नदियां विच टिब्बे दिखाले, थली करे असगां कीड़ा थाप दे पातशाही लश्कर करे सुभा। ये करामात है जी। जलते थल कर थलते कुआं, कूप ते मेर करावे, धरती ते आकाश चढ़ावे, चढ़ा आकाश गिरावे। मैं लफ्ज फिर उसे ते आना कि मैं कुर्बान हाँ तेरे तो मेहरबान। हजूर कहने कमाल ए करामात, ये शब्द कह के बादशाह दी खौमे दा कंडा खिंच दिता। क्योंकि लोग जिन्ने दे कोल आउंदे सन आप सम्राट हो आप जैसा कोई नहीं, महाराज ने कहा नहीं, औरंगजेब करामातां दा शिखर बादशाह नहीं, करामातां दा शिखर केवल परमात्मा है। अगली गल, कायम, तू सदा रहने वाला है। कमाल ए करामात कायम, अगे है करीम, तू बख्शा करने वाला है। अगले शब्द ध्यान नाल सुनियो, रिजा बख्श, तू प्रसन्नता देने वाला है। राजिक, तू मेहरबान है, तू सब ते मेहरा करना है। राजिक रिहाकुन, जेड़े बंदे बंधना च बजे ने तू उन्हां नूं रखाइयां देण वाला है। रहीम, रहीम दर्द फिर मेहरबान, जिहड़ी तेरे कोल रहम है किसे होल कोल रहम नहीं। कमाल ए करामात कायम करीम, रिजा बख्श राजक रहा कौन रहीम। अगे है अमां बख्श बख्शंदा ओ दस्तगीर, एक है खौं कुर्बाना जाऊं मेहरबाना। अमां बख्श दर्द तू शरण विच रखण वाला है। अमां बख्श बख्शंदा ओ दस्तगीर, जिन्हां लोकां दे कोई खत नहीं पकड़दे तुसी उन्हां दे खत पकड़न वाले हो। महाराज कह रहे ने अमां बख्श बख्शंदा ओ दस्तगीर, खता बख्श, तू इन्ना मेहरबान है बंदे दे गुनाह माफ़ कर देना। रोजी देखो तू रिजक देने वाला है। दिल पजीर, तू विखावे दा नहीं, जे कोई तेनू मुहब्बत करदा तो उन्हूं दिलों करना है, तो सच्ची मुची तू मेहरबान इन्ना है। ये बंदा भावें गलतियां करता तू दिलों प्यार फिर भी करी जाना, क्योंकि तू दिल की मुहब्बत तो बिना किसी को रिजक देगा।
मैं बेनती करा सतगुरु ने पहला शब्द इत्थे वरत्या राहो विच खौ कुरबाने जाऊं मेहरबाना। अगली बेनती होर वो इन्ने को मेहरबान ने, मैं आप नूं बेनती कीती बंदा किन्नियां भुल्लां करदा किन्नियां गलतियां करदा प्यारिओ। इत्थों तक महाराज ने जदों मेहरबानगी का जिक्र किया तो एक बचन है लेखा छोड़ अलेखा छूटें, फिर बेनती सुनो लेखा छोड़ अलेखा छूटें हम निर्गुण लेहो उभारी सद बख्शांद सदा मेहरबाना है। हों कुरबाना जाऊं मेहरबाना सद बख्शिंद सदा मेहरबाना प्यारे ओ हमेशा ही मेहर करने वाला है। महाराज ने शब्द वरते जी पार ब्रह्म परमेश्वर मैं ओदे तो कुरबान जाना बलिहार जाना क्योंकि मेरा वाहगुरु मेहर कर रहा है। हों कुरबाना जाऊं मेहरबाना हों कुरबाना जाऊं। हुण अगला बचन जी हों कुरबाना जाऊं तिना कै लैण जो तेरा नाम। वाहगुरु जी जेड़े परमात्मा का नाम जपते ने जेड़े सिमरन करते ने मैं उन्हां तो भी कुरबान जाना बलिहार जाना वारने जाना। तो महाराज कहिंदे थोड़ा चिर नहीं जेड़े सदीव काल लई तेरी बंदगी करते ने। इत्थे एक होर बेनती करदे आ इत्थे क्या परमात्मा तो भी कुरबान सिमरन करन वाले तो ही कुरबान। इहदा मतलब कि बंदगी करन वाला इस करके नहीं बंदगी कर लिया। फिर बेनती सुनियो मेरी पूजा होवे। हाँ एक गल वक्री जदों कोई इस तरह साधना करता है जी शब्द का अभ्यास करता है लोगों मशहूरी हो जाए पैसा हो जाए दौलत हो सारे लोग मैनू जानन हर थान मेरी चर्चा हो शब्द ने अपना फल देना ही देना है। पर इत्थे जे कोई बंदगी कर रहा है सच एवे निष्कामता नाल कर रहा है तो जिन्नी कोई भिज के अंदरों परमात्मा का नाम जपेगा ना सच एवे सृष्टि उन्ना उहदे तो कुरबान अपने आप ही जाएगी। जिहड़ा परमात्मा नूं पूजेगा वह नाम ही कहे। मैं फिर बेनती करा उस दी पूजा नूं उस दे सत्कार नूं कोई नहीं रोक सकता। इस करके सतगुरां ने अमृत बाणी विच बख्शिश की जिहड़े बचन असी पढ़ने आ जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा। महाराज कहिंदे जिहड़ा तेरा नाम जपदे ने तेरा सिमरन करदे ने मैं उन्हां तो कुरबान जाना वा। किन्ना कु कुरबान जांदे आ थोड़ियां जिहियां मैं उदाहरण एक दो देनियां ने क्योंकि जिहड़ा बंदगी करन वाले दा सिमरन करन वाले दा लफ्जी सन्मान भी करदा हैगा ना जी कुछ भी ना फिजिकल कुछ ना करे लफ्जी सन्मान ही करदे जबान नाल ही सन्मान नाल बोल पे। गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे बंदगी करन वाले दा सन्मान करन वाले दे जमा दे कागज पाट जांदे आ। ते जे ये सुनियो बंदगी करन वाले नूं लफ्जी सन्मान दे दे ये कुछ हुंदा है ते प्यारो जिहड़ा बंदगी करन वाले दी लफ्जी निंदिया करदा उहदा की बनेगा। जिहदे विपरीत देखिए हजूर का बचन है तुद सलाहन तिन धन पल्ले नानका धन सोई। परमात्मा जेड़े तेरी सलौता करते ने उन्हां कोल नाम धन कै साडा धन भी ओख है। तुद सलाहन तिन धन पल्ले नानका धन सोई जे को जियो कहे उन्हां को। ये क्यों मारे ने कह ये कोई फोकी गल नहीं की भी मैं उन्हां तो कुरबान जाना खौ कुरबान है जाऊं तिना कह लैण जो तेरा नाओ लैण जो न तेरा नाओ तिना कह हो सत कुरबान है जाऊं। तुद सलाहन तिन तन पल्ले नानक का तन सोई जे को जियो कहे उन्हां को जम की तलब ना होई। ये सतगुरां दे बचन ने कि जिहड़ा उन्हां नूं एक वारी जी कह दे कुरबान जाना नाम वाले तो इत्थों तक गुरमुखो आप सब नूं पता है कि गुरु नानक साहब ने किसे अगे झोली अड के मंगिया जी। आप हिस्टरी तो जाणू आ ना जी इतों तक कि बाबर वर्गा बंदा जदों कुछ कहिंदा है ये जन्म साखी दे बोल ने गुरु ग्रंथ साहब च नहीं कह नानक सुन बाबर मीर तुझ ते मांगे सो अहमक फकीर। जिन्हें तेरे तो मंगना उन्हूं लज्जा होनी चाहिए क्योंकि मंगते तो मंगता मंगता होवे ते शर्म आउंदी है। बादशाह नूं कह देना तेरे तो मंगना। मेरी बेनती ध्यान नाल सुनियो की मंगना तेरे तो
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜਮਾਈ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਚੋਲਾ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਟੇ ਪੁੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਲਾ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਪਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁੰਜੀ ਲੀਰਾਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨੇ ਚੋਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਜਮਾਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਫੱਬਦਾ ਪਿਆ ਚੋਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਚੋਗਾ ਬਸਤਰ ਬਹੁਤ ਫੱਬਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। 54 ਸਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, 1480 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1534 ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਕਾਕੋ ਤਾਂ ਜੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਕੋ ਸੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਕਾਕੋ ਤਾਂ ਜੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦਾ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਬਾਪ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਧੀ ਦੇ ਅਜੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਾਕੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪੁੱਛ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 100 ਰੁਪਈਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹੇ 100 ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ 200 ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਸੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਚੋਲਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਚੋਲਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਚੋਲਾ ਸੀਸ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਨ। ਜਦੋਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਤ ਦੇ ਮੇਰ ਦੇ ਘਰ ਚਾਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਇਹ ਚੋਲਾ ਤੂੰ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ? ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੋਲਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਚੋਲਾ, ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀ। ਇਹ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਅੱਡਣੀ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਅੱਡਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ, ਉਹ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਰੱਤੀਆਂ ਹੋਏ ਰੂਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਭਾਉ ਤੇਰਾ ਭਾਂਗ, ਖਲੜੀ ਮੇਰਾ ਚੀਤ, ਮੈਂ ਦੀਵਾਨਾ ਭਇਆ ਅਤੀਤ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਸੁਣਿਓ, ਕਰ ਕਾਸਾ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਜਪਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬੁਲਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਹਸਤੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਰਥ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰਮੁਖ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜੀ ਲੋੜ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ? ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਸਦਾ ਲਈ। ਭਉ ਤੇਰਾ ਭਾਂਗ, ਖਲੜੀ ਮੇਰਾ ਚੀਤ, ਮੈਂ ਦੀਵਾਨਾ ਭਇਆ ਅਤੀਤ, ਕਰ ਕਾਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਭੂਖ, ਮੈਂ ਦਰ ਮੰਗੂ ਨੀਤਾ ਨੀਤ, ਤੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੋਂ ਸਮਾਏ, ਮੈਂ ਦਰ ਮੰਗਤ ਭਿੱਖਿਆ ਪਾਏ। ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਖੈਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ? ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਿਵੈ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ਤਿਨਾ ਕੇ, ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਤਿਨਾ ਕਹਿ ਹੋ, ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਿਵੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਝੁੱਗੇ ਰਹੇ,
रह लिव लाए। हजूर कहिंदे नानक तिन दर भीख्या पाए। बादशाह नूं कहिंदे ने तू मंगता है, मंगते तो नहीं मंगीदा। इत्थे बंदगी करन वाले नूं कहिंदे आ मैं झोली अड के बैठा, मेरी झोली च दर्शनां दी खैर पा दे। मैं फिर बेनती करांगा कि बंदगी वाले तो वड्डा कोई राजा नहीं। जे मेरी अर्ज सुनियो, मैं लफज राजा वरत्या है, बंदगी वाले कोल हो सकदा सहूलत राजियां वाली ना होवे, पर जेड़ी अंदर दी सुरत रब ने उन्हूं दित्ती उहदे मुकाबले तां राज भाग तुच्छ है। बस्ता टुटी झुंपड़ी चीर सब छिन्ना, जात ना पत ना आदरो उद्यान पर मिन्ना, मित्र ना इठ तां रूप हीन की साख ना सिन्ना। गुरमुखो राजा सगली सृष्ट कहा, पर राजे कोल तां कपड़े सोहणे हुंदे आ, राजे कोल तां रथ हुंदे ने, राजे कोल गड्डियां हुंदियां ने, राजे कोल फौजां ने, राजे कोल असला है, राजे कोल खजाना है। इत्थे महाराज कहिंदे ने टुट्टी झोंपड़ी ए पाटे कपड़े ने, घर दे वी रुस के चले गए, अपने बरादरी भी कोई नहीं नेड़े लगदी। पर महाराज कहिंदे तां की होया, ये राजा सगली सिष्ट का हर नाम मन भिन्ना, तिस की धूड़ मन उधरै, हाँ कुरबान है जाऊँ तेना के लैण जो तेरा ना। उस दे चरणा दी धूड़ मिल जाए ते मत्थे ते लाओ ते मत्थे दे लेख बदल जांदे हुंदे आ। मैं फिर बेनती करांगा जिथे परमात्मा तो कुरबान, उत्थे उहदी बंदगी करन वाले तो कुरबान जांदे पए। एक शब्द होर कह के थोड़ा जिहा आप जी टिका बख्शो। अज सतगुरु गुरु अमरदास नूं ना हरिमंदर साहिब आप जी ने सुनिया होणा है, अज हजूर दा गुरियाई दिवस है। गुरु अमरदास महाराज जी का 12 साल गागर ढोई है। 12 साल थोड़े नहीं होंगे, पर इस करके नहीं गागर ढोई कि गुरियाई मैनू मिलनी है। इस बेनती फिर सुनियो, जेड़े सज्जन चलो आप जवाब नहीं देने चाहिए, सब तो वड्डा पाप है किसी नूं रब दे रस्ते ते जांदिआं पटका देना। एदू वड्डा पाप कोई नहीं। कोई बंदा नितनेम कर रहा है, सती सेवा कर रहा है, सिमरन कर रहा है, उन्हूं दलीलां दे दे के उन्हूं वाश कर देना, शायद एदू वड्डा कोई पाप नहीं किसी नूं चंगे रस्ते ते तोर दिआं पटका देना। एदू वड्डा पाप कोई नहीं, ते भटके कोई नूं रब दे घर दा राह दिस देना, एदू वड्डा पुन कोई नहीं। गुरु अमरदास महाराज, आप सब नूं पता है भी वह तीर्थ इशनान करन जांदे रहे। मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ संखेप जज गुरियाई वाला दिन है ना, भावें दिन इत्थे ते कल नूं होना है, पर करिए कि मेरी साड़ी सुरत उत्थे टिके रहिंदी। इत्थे शाम नूं रह रात शुरू हुंदी है, ते साडे घरां च अद्धियों ज़्यादा आपां टीवी ला के ना, सतगुरां दा हुक्मनामा किहड़ा आया, क्योंकि इत्थे भावें असीं बैठे हाँ, कोठियां भी तुसीं वेच आए होवोगे, कईआं पैलियां वेच दित्तियां होणियां ने, उत्थे थोड़ी जी तत्ती वाह लगती है, तो रात नींद इत्थे कोई नहीं पैंदी। अगला पूछे तू जाके पैली वाहनी है, नहीं प्यारे हो, उन्हूं पता है पंजाब ना हिंदू ना मुसलमान, पंजाब जिउंदा गुरां दे नां ते। जिहड़ा गुरां दे नां ते जिउंदा है ना, वह सानू खिच पाएगा। हजूर तीर्थ इशनान करन जांदे रहे, बस इको उदासी साधु मिले सन, उन्हां दा नाम भी हरिदास सी। जिन्हां ने कहा ना बाबा अमरदास जी नूं तुहाडा गुरु कौन, कहन लगे जे ते गंगा मैया दे भजन कर रहे हैं, इशनान कर रहे हैं। तो उन्हें इको गल की उदासी साधु नूं कहिंदा, मैं तां बड़ी गलती कर ली, नगुरे दे हाथ दा मैं पानी पी लिया, छड के चले गए। गुरमुखो सवेरे एक तां 7 बजे वेखो, मेरी फिर बेनती, जे समय तो पहला वक्त तो पहला गल नहीं बनती कि जिदन बाबा अमरदास भतीजे नूं विआह के आए, घर च चर्चा नहीं चली भी गुरु अंगद साहब की बेटी है, धी कि है, कभी वेखो अमने घर च गल चलती है भी इहदा इहदे पिता जी जिहड़े ने उह गुरु ने, नहीं समय तो पहला नहीं गल बनती हुंदी, चीज़ां उही रहिंदियां ने जदों संजोग बनता है। ये एक दिन किसी पुछया सी मंजी साहब कथा करदे आ भी जदों बीबी भानी का जन्म होया उदों गुरु अमरदास की उम्र किन्नी सी, मैं कहा जी 60 साल के करीब, कहिंदा 60 साल की उम्र च बेटी, मैं करीब क्या, मैं क्या तुसी गृहस्थियां वाले अर्थ ना करो, इस बीबी की कुख नूं इन्ना भाग लगना है
जिन्हें जिदे नाल इन्हें परनाए जाना है अजे वह धरती ते नहीं सी आया, गुरु रामदास। असी दूजे पासे तुर पे गिनतियां मिनतियां करन संसारी जीआं। एक अंदर रात चोट वजी, रात नींद नहीं पई, दूजा अमृत वेला ते तीजा घर भरा दी नूं गुरु अंगद साहब की बेटी बीबी अमरो गुरु की सपुत्री बाणी पढ़ रही है। हालांकि उस वेले अमृत वेले जपजी साहब का पाठ हुंदा सी, पर जो असं इतिहास पढ़ने जेड़े शब्द बीबी जी पढ़ रहे सन वह तो जपजी साहब है ही नहीं। करनी कागद मन मसवाणी बुरा भला दो लेख पै, ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चलिए, तौ गुण नाही अंत हरे, चित चेतस की नी बाबरिया, हर बिसरत तेरे गुण गलिया, जाली रहन जाल दिन हुआ, जेती घड़ी फाही तेती। इहदा मतलब जदों ये शब्द पढ़ रहे, नितनिम च ते शब्द है नहीं, इहदा मतलब कि सिख अमृत वेले जिन्नी बाणी कंठ हुंदी सी उहदा अभ्यास सारे करदे होणगे। शब्द अमृत वेले पढ़िया जा रहा है। गुरु अमरदास, मैं शब्द चलो गुरु वरतांगा, उन्होंने शब्द सुनिया ऐ टिक गया अंदर। गुरमुखो सच ए वे जदो बाबा जी मेहर करदे आ, शब्द के अर्थ नाम ही समझ पैंदे होण, सिर्फ शब्द कन्ना विच पैन लग पे ते अंदर नूं धूप आन लग पैंदा है। मैं फिर लफ्ज़ रिपीट कर लगा, अर्थ नाम ही समझ पैंदे होण। कोयल कदी अपने आलणे बना के बच्चे नहीं पैदा करदी आंडे दे के, वह हमेशा अपने आंडे कामणी दे आलणे च दिंदी है, ते चला के नहीं है उहदे आंडियां दी गिनती घटन नहीं दिंदी, आंडा बाहर सड़ दिंदी, अपना आंडा उच दिंदी। कामणी बैठदी है कोयल दे आंडियां ते, उहदे विच्चों कामणी दे आंडियां नाल कोयल दे आंडियां विच्चों बच्चा निकलदा है, पर वह बोलता कोई नहीं। कां दे बच्चे जमदे कां कां करन लग पैंदे आ, कोयल दे नहीं। जदों कोयल दा बच्चा जन्म हो गया, आंडे नूं तोड़ के बाहर आ गया, उदों कोयल नूं पता लग जांदा है, वह थोड़ी दूरी ते बैठ के इन्नी दर्द भरी आवाज विच जदों कूक मार दीए, उहदी कूक सीने नूं धूप आंदी है, तो बच्चा कामणी दे आलणे विचों जवाब देण लग पैंदा। कामणी दे बोल नाल नहीं बोलदा। सच एवे कई जन्मां दी विछड़ी हुई रूह नूं जदों गुरु नानक साहिब किते भी आवाज़ मारदे ने, शब्द दी समझ ना भी पए पर रूह अपने आप ही खिंची जांदी है। शब्द सुनिया काया आरन मन विच लोहा, पंच अगन तित लाग रही, कोयले पाप पड़े तिस ऊपर मन जलिया, सन्नी चिंत पई। सारा शब्द सुनिया गुरु अमरदास बीबी अमरो जी नूं लै के खडूर आ गए, खडूर साहिब जी आ गए। हालांकि साडा इतिहास क्या, हजूर ने कहा आग्या तो बिना नहीं आउणा, आए अज। बीबी जी अंदर चले गए पिता गुरदेव कोल। गुरमुखो जदों रब रमेर करदा, मैं कल भी कहा धर्म गल्लां नाल नहीं सिखाया जांदा, जदों धर्म अंदरों पैदा हो जाए दैवी गुण अपने आप अंदरों निकल लग पैंदे आ। पहला भी तो आउंदे रहे ना, अज कुड़म बन के नहीं आए, अज बाहर दरवाजे च बैठ गया। इतिहास कहिंदा दरवाजे च बैठ के ते पुछया, पुत्र तू अंदर जा, जे इजाजत देणगे ते मैं अंदर आ जाऊंगा। शुरू हो गया ना अदब। बीबी अमरो जी जांदे आ, हजूर देख के पुछदे आ पुत्तर अज किवें बिना दस्यां। वह दसदे आ जी बजुर्ग साडे नाल आए, ते महाराज कहिंदे किथे ने, कहन लगे बाहर बैठे आ, ते सतगुरु कहिंदे वक्त आ गया, वह तां कई रातां बड़ी बेबलता च कढ रहा, तुसीं बाहर क्यों बिठा दिता। सतगुरु ने कहिंदे उस दिन चिट्टा चिट्टी चादर लई सी जी गुरु अंगद देव महाराज जी ने, आ बाहर चल के आ गए। तो सतगुरां ने बाबा अमरदास जी वल देखिया। हालां मैं बेनती करा, उम्र करके बाबा अमरदास जी गुरु अंगद साहब तो तकरीबन 25 साल वड्डे ने, उम्र करके मैं कह रहा। अपनी चादर चो दोवें हथ बाहर कढ़े, भी
कुड़म का भरा है, गलवकड़ी चलांगे। जदों महाराज अगे इस तरह हाथ दोवें कढ़े तो धन बाबा अमरदास, गुरु अमरदास प्यारे हो गलवकड़ी च नहीं गए, बजुर्ग चरणा ते डेक के कहिंदे आ नगुरा हाँ मैं, अरे गल लगन दे लायक नहीं, मैनूं नगुरे ते मेहर कर दिओ। कवि संतोख सिंह ने लिखे, लख संबंध संसार को पे सतगुर ठाडे, घर मिलबे को तैयार पै पट ते कर काढ़े, चादर चो हाथ बाहर कढ़े, चरण गए श्री अमृता बंधन को ठानी। चरण गुरु अमरदास जी ने पकड़ लै, कह लगे घर मिलबे को उचित नहीं, मेरी कोई हस्ती नहीं तुहाडे गल गल मिला, लिखो दास पछानी, मैनू अपना दास जान के रख लो। गुरमुखो गागर चुकी ना, मैं तां बेनती कीती सी कि गुरु घर दी सेवा केवल वर्क नहीं, फिजिकल वर्क नहीं, कर्म है। हुण बाहर आ वेखो, कोई सिंह टेंट ला रहा है, कोई झाड़ू ला रहा है, कोई लंगर पका रहा है, तो यही तो सारे कहिंदे आ ना अजकल, लो जी जिहड़े तुसीं भांडे गुरद्वारे मांज दिओ घर मांज लिया करो, यही यह सुनू मिलता है, जुत्तियां अपनियां तुहाडियां घर पईआं होंदियां साफ कर लो। ओ नहीं प्यारे, ओ सेवा केवल कर्म नहीं, इस कर्म विचों करैक्टर निकलता है। लफ्ज मेरे फिर सुनियो, सेवा केवल कर्म नहीं, कर्म है। हुण जे भांडे मांजांगे तो कर्म है, बीबियां लंगर पकाणगियां कर्म है, आप जी सेवा करोगे कर्म है ना। ओ गुरमुखो अज चलो नहीं, साढ़े पिंडां विच मैं किसी की जात नाल नहीं कह रहा, गुस्सा ना करियो, कि एक श्रेणी ऐसी होंदी सी जिहड़े साढ़े घरां च पाणी भरदे सन, जिन्हां नूं वाहिगुरू मैं फिर लफज वरता झूर शब्द वरदे सन लोग, पर गुरु साहब ने तो खालसा बना दिता ना अमृत देख। हुण उहनां दे पुश्त दर पुश्त कम सी, जे अज मुंडा पाणी भर रहा उहदा प्यो भरदा, उहदा दादा पड़दादा, उहदा पड़दादा कई पीढ़ियां वह पाणी भरदे रहे। प्यारिओ सिर ते गागरा मट वह भी मशकां लिया के पाणी भरदे रहे, वह पीढ़ी दर पीढ़ी पाणी भरदे रहे, सिर्फ वह फिजिकल वर्क सी। इत्थे 12 साल पाणी ढोण तो बाद बाबा अमरदास धन गुरु अमरदास बन जाता है। केवल फिजिकल वर्क नहीं, इहदे विचों जीवन निकलता है। प्यारिओ आए गागर चुकी, ये प्रेम की खेड है। कई इतिहासकारां ने खूह का जिक्र किया, पर ज़्यादा साडा पुराना इतिहास वो ब्यास की गल करते, उदो ब्यास नेड़े वगदा सी। हुण तुसी गोइंदवाल साहब जाते हो, जिहड़े बजुर्ग तुसी बैठे हो आपनू पता है कि अज तो 40 साल पहला गोइंदवाल के किन्ने नेड़े ब्यास सी जी, गोइंदवाल साहब के अज किन्ना दूर चला गया। सतगुरु जी सेवा लई 12 साल किन्ना मीह पिया, किन्नी हनेरी आई। गुरमुखो मीह हनेरी चालन है ना, ये भी सिरड़क है, ये सिदक है। इस तो इलावा एक होर हनेरी आई, और लोक लाज ते निंदिया दी, ये हनेरी जरनी बड़ी मुश्किल है। गागर चुकनी पिछल पैर, अज भी खडूर साहब तो गोइंदवाल साहब जाओ तो गुरद्वारा दमदमा साहब हुंदा जिते अरजू रुकदे सन, पिछल पैर चलना, गागर भर के लियाउणी, जपजी साहब का पाठ करदे जाना, जपजी साहब ही करदे होणा। मैं बेनती करना हुंना कि नित नेम तो इलावा उम्र घटदी पई है, नेम नहीं घटाई दे हुंदे, जिन्ने साह घटदे होण उन्ने नेम वधा देना चाहीदा है, वह आपो अपना निजी ख्याल रखदा। 12 साल इथों तक सुन लैने अखीर ते जिहड़ा अज दिन आया है, मीह अज बहुत पिया, बारिश पुछो कुछ ना। बजुर्ग बाबा जी, मैं बजुर्ग शब्द सत्कार लई वरत रहा वा, पर वह तो खुद बाणी च मेहर करदे आ, गुरमुख बुढ़े कदे नाही जिन्हां अंतर सुरत ज्ञान। गागर चुकी अगो बाछण पै रही है, मीह रोकदा है, ते सच्ची मुची जिहड़ी गल बाद च गुरु के रबाबियां ने कही, झक्खड़ वाह ना डोली परबत मेरान, जिन्ना मर्जी झक्खड़ झुल जाए ते परबत कदी डोलदा नहीं हुंदा। गुरु अमरदास परबत की तरह अटोले, जिन्ने मर्जी झक्खड़ आए वो डोले नहीं। नेड़े पहुँचद्या
बिजली चमकी, चमकण तो बाद इको दम हनेरा हो गया। तुम देखियो बिजली चमके हटे एको दम हनेरा होंदा है। जुलाहे दी खड्डी विच किले नाल हजूर दे चरण अटके डिगे, सारा इतिहास कहिंदा है गुरु अमरदास खड्डी च डिगे, पर कोई नहीं कहिंदा भी गागर डिग पई। गागर नहीं डिगी, इसे करके हजूर ने फिर गुरु बन के क्या कि हस्ती सिर जो अंक सकै ऐरन ज्यों सिर दे, मन तन आ गए राख कै ऊ भी सेव करे। आप डिगे पर गागर नहीं डिगी। इको ही आवाज आई अंदरों, कौन? जुलाहा वीर बोलिया, कौन? तो उस जुलाई ने कहा, जी तुसी चुप करो। कहना खड़ाक आया है। ये शब्द सुनने वाले ने कहन लगी, अमरू न थावा होना है, कुड़मां दे घर रोटी ली बैठा है, जिन्हों ना दिने चैन ते ना रात चैन है। एक ग्रंथ है गुरु महिमा, उहदे च लिखिया है कि ये शब्द ये इस बीबी ने इस तरह कहे, ये अमरू बेनवा होगा। बेनवा समझ गया ना, जिहदी थां कोई नहीं। ये अमरू बेनवा होगा, सदा है भटकता फिरता, ना कबू चैन करता, बकारा हो तो ऐसा हो। बकारा दर्थ बोली। ये अमरू बेनवा होगा, सदा है भटकता फिरता, ना कबू चैन करता, बकारा हो तो ऐसा हो। एको जी बोली बोली। महाराज कहें, दीवानी क्या बकती है गुरु की शान में, चुप रहो उसी दम होगी पागल, इशारा हो तो वैसा हो। कमाई होवे दे मेरे नीक। दीवानी क्या बकती है गुरु की शान में, ये नहीं क्या मैनू, क्योंकि जदों सिख नू कहिंदा ए नथावा, उहदे गुरु वल उंगल जांदी, जिहदा मुरशद गुरु नानक ना इत्थे नथावा ना अगे नथावा है। दीवानी क्या बकती है गुरु की शान में, उसी दम हो गई पागल, इशारा हो तो वैसा हो। दिन चढ़िया, सच्ची मुची शदैन हो गई जी। गुरु अमरदास जी नूं पुछया महाराज जी ने, पुरखा जी की होया? कहन लगे, सतगुरु अज डिग पिया सां। जदों शब्द क्या अज डिग पिया सां, नेत्र भर आए। हजूर ने कहा, पुरखा फल पक्कण तो बाद अपने आप डिगदा हुंदा है, डिग्गिया होयां नूं मालक सांभ लैंदा है। पक के डिगे खो। महाराज ने फिर अज दे दिन गुरियाई दित्ती। गुरु अमरदास गुरता गद्दी ते विराजमान होए। बस एक शब्द कह के उन्हां दी सिफत च कमाल कर दित्ती। एक बार मैं बेनती कीती सी जी, आप सहज पाठ करन वाले हो, जिहड़े सवैये ने ना जी भट्ट साहिबान जी दे 123 सवैये, 123 इन्हां सवैयां तों पहलां गुरु अर्जन साहब दे सवैये ने ना जी, सवैये मुख वाक है ना, महला पंजवां। गुरु रामदास दे कोई सवैये नहीं, गुरु अमरदास दे नहीं, गुरु नानक साहब। ये क्यों कि पट महापुरख सवैये उचारण कर लगे, उन्हां दे सवैयां तो पहला गुरु अर्जुन देव दे सवैये क्यों ने? इस दा भी एक कारण गुरमुख दसदे आ, क्योंकि जदों भट्टा ने गुरु जोत की गल करनी है ना जी, उन्होंने परमेश्वर तो थले गल नहीं करनी। साडे वर्गा ज्ञानी हुंदा उन्हें कहना, क्या लोगों ने बड़ी पुरानी गल, चलो आप क्यों छेड़नी कहे। भट्टा ने भट्ट साहिबान जी ने शब्द वरतने, प्रतख दे पार ब्रह्म स्वामी। गुरु रामदास का शरीर प्रतख परमात्मा का शरीर है। गुरु अर्जुन साहब जी ने पहला अपने बचन तां दर्ज किते, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर, एक जी क्या बखाने, हाँ के बल 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 सद बलिहार। गुरु नानक साहब नू पार ब्रह्म परमेश्वर का सकार रूप क्या, कि सिख नू भरोसा आ जाए अगे भट्ट गुरु नू प्रतख रब जान के सिबत कर लगे आ। गुरु अमरदास महाराज उन्हां दी सिबत च सवैये तो चलो काफ़ी ने, पर उन्हां दी सुरत 12 साल की सुरत की सी? कहिंदे 12 साल च
एक फुरना भी नहीं उठा जिहड़ा दूजे भाव का हो। पढ़ियो एक मन धरियो एक कर एक पछाणियो नैन बैन मोह एक एक दो ठाए न जाणियो सुपन एक परतख एक एक समय लीनो तीस एक अरपंच सिद्ध पैंतीस ना खीणो इको जे लाख लखों अलख एक एक कर वरण्यो गुरु अमरदास जाल भण तू एक लोड़ै एक मनियो। उस धन गुरु अमरदास महाराज उन्हां दी सिफत कौन कर सकदे अज हजूर दी गुरियाई दा दिन है। भाई साहब ने कहा लैणे पाई नानकों देनी अमरदास कर आई। फिर ये गल ध्यान नाल सुनियो जी देनी ये नहीं कहा गुरु अमरदास जी ने ले ली एक गुरियाई ये लफज बड़े डूंगे ने देनी लैणे पाई नानकों ये बाणी है जी भाई साहब दी कि बाबा लहना जी ने गुरु नानक साहब तो प्राप्त की देनी अमरदास कराई क्योंकि तुर दरगाह अनुसार ये पुत्रां नूं नहीं सी देनी ये देनी गुरु अमरदास नूं सी। लहने पाई नानको देनी अमरदास कर आई गुर बैठा अमर स्वरूप होए गुरमुख पाई दाद इलाही ये इलाही दात मिली गुरु अमरदास जी नूं। फिर वसाया गोइंदवाल अचरज खेल ना लखिया जाई अगे भाई साहब कहिंदे दात जोत खसमै वडियाई। मैं फिर बेनती करां कि सतगुरु गुरु अमरदास महाराज सच्ची लो जी बड़ा धीरे देंदे जी। हुण मैं सिर्फ टाइम अज बहुत लै गया बाबा जी बैठे कोई गल नहीं है ना वेखो अपना ना सच्ची जे 50 साल तक तो बंदा दसी जांदा उम्र किन्नी मैं 45 दा हो गया मैं 49 जो 55 टपदा ना फिर उम्र लकान लग पैंदा सारे नहीं पर बहु गिनती च अगह दस दें डर लगता क्योंकि अगह तो काम नेड़े आने वाला। सच्ची गल क्यों गया सी कि बाबा बुढ़ा जी नू तू बच्चा है पर गल्लां बुढ़िया वाली करना क्योंकि उस बच्चे ने पूछा सी मौत तो किवें बचा जा सकता। गुरु अमरदास बड़ी मेहर करते हैं इन्नी वड्डा तरवा बाबा फरीद साहब जी ने कहा कि जिन्हां बंदियां ने जवानी च इबादत नहीं की जो आौले आ गए उन्हें की बंदगी करनी है। गुरु अमरदास जी ने कहा है तो ठीक जवानी सांभो पर जे जवानी चली गई है तो बुढ़ेपा पछतावे ना क्डो रब अगे अरदास करो वह धौली दाड़ी वेले भी कृपा कर देता है। काली जिन्हें ना रावे धौली रावे कोए कर साई सो पिरखड़ी रंग नवेला होए। फरीद साहब कह रहे महाराज कहते ने काली धौली साहब सदा है एडा वड्डा तरवास देना भी जिन्हां दी जवानी निकल गई है घबराओ ना क्योंकि उन्हां दी जिंदगी दा तजर्बा है जदों ओ आए उदों तां सीस दे मुख दे सारे केस चिट्टे ने। काली धौली साहब सदा है जे को चित करे अपना लाया पिरम न लगी जे लोचै सब कोए ये पिरम प्याला खसम का जय भावै तै दे। ये मालक दी दात है उस धन गुरु अमरदास जी का अज गुरियाई का दिस दिवस है ते 12 बख्शां होईयां जी अज। चलो आपां व्याख्या ते नहीं करदे तुम को निमानन के मान कर हो निथावन को थान तुम हो निथावन के थान कर हो निमानन के मान नितानियां दी तान ने ओटियां दी ओट ने आसरियां दा आसरा ने धरियां दी तेर न धीरियां दी धीर दयाल गई बहौड़ जगत बंदी छोड़ भन्नण करन समर्थ सब जीव का जिस हाथे 12 बख्शां दित्तियां अज सतगुरु गुरु अमरदास नूं। इतिहास गवाह है चलो अज वाले ते अध्यूनक ते सज्जन नहीं ना मानदे। वेखो मैं वो दर्शन किते वो जोड़े दे महाराज दे दो जोड़े ने जी गुरु अमरदास जी दे कदी पंजाब च गए ते दर्शन जरूर करियो। सिर्फ एको साखी कह के हरिपुर दा राजा आया जी वाहगुरु मंडी दा राजा आया ते सतगुरां ने कहा सी भी गुरुद्वारे जदो सतगुरु जी दे कोल आउणा किसे ने घुंड नहीं कढ़ना परदे नहीं करने मनाई है गुरु घर विच घुंड कढ़न दी। वो राजे दी राणी सी जी नवी व्याई उहने घुंड कढ़ लिया सतगुरां ने देखे अगे आ गई
ते मेरा उन्हां परिवारां नाल कोई नज़दीकी चलो संबंध भी मिलदे गिलदे रहिंदा है। वह जदों घुंड कढ के आ गई हजूर ने कहा किहड़ी कमली आ गई झली शबद सबैकन शब्द कहे जी किहड़ी झली आ गई घुंड कढ के इन्ने शब्द कहन की देर सी वह बीबी उस वक्त झली हो गई क्योंकि गुरु अमरदास के बचन अमोघ बाण सन जे अमृत वेले जवान पुत्र मरिया है भाई बल्लू नूं कहिंदे रोणा कहदा कहन लगे जवान पुत्र मर गया कहन लगे जिन्नी देर तक असियां अज तो बाद साडी हयाती विच किसे दा जवान पुत्र मापिया सामने नहीं मरेगा ते नहीं होया ऐसा। हजूर ने कहा झली आ गई सच्ची मुची कपड़े पाड़ के जी भज गई जंगल नूं राजा चला गया वेखो रब की खेड की है ये हिस्टरी है तो परिवार जिंदे जागते पीढ़ी दर पीढ़ी चलते पे ने। जंगल में एक सिख जाता सी रोज सेवा करन ते ओदी जबान ते एक लफ्ज़ चढ़िया सी सज्जन सच सचन सच सचन सच जिवें कई वाहगुरु वाहगुरु शब्द कहिंदे आ ना जी जबान ते चढ़ वह सचन सच ओदा नाम ही सचन सच पै गया हर वक्त सिमरन च रहना लकड़ां लैन गया वह नगन राणी उदे नौ वधे हुए वाल खिलरे उन्हें भाई सचन सच ते हमला कर दिता दंदा नाल उदे बाहां दा मास खान नौवां नाल वह वापस आया तो थोड़ा जिहा चेहरा फिका जिहा पिया पीला जिहा हजूर पुछदे होया कि कह लगा महाराज जंगल च बलां रहिंदी है डैण है वेख्या उहदे खरूंडे मारे खरूंडे समझने आपां नहुं नाल छिलिया पिया दंदियां वड्डियां हजूर ने कहा कल नूं जाओगे आ साडा जोड़ा लै जाओ एक चरना दा नाल बस्तर लै जाओ जदों तुहाडे ते हमला करेगी आ जोड़ा साडा मत्थे ना ला जाओ उहनूं सुरत आ जाएगी ते परदा ढक के लै आ जे। भाई सचन सच जी गए वह सच्ची मुची बीबी उस तरह ही कलकारियां मारदी कोई भाई साहब जदों पहन लगी सतगुरां दा जोड़ा उन्हें मत्थे ते लाया उस वक्त उन्हें सुरत आ गई मैं कौन हाँ। भाई साहब ने पर्दा किया लैके आ गए वेखो मैं सोचना संजोग की होंगे आ इस सारे विद्वान सुनांदे आए उहदा पति है हजूर को लैके आए हजूर ने कहा सचन सच इनू व्याह लै तू अपने घर लै जा पहली उदी औलाद सी संतान सी उदे चो वो सचन सच दा पहला व्याह होया उदे चो संतान कै उनू परना दिता उस राणी चो संतान होई ते जदों उदा व्याह होया महाराज ने अपने हत्थी सब कुछ किया ते उन्हें फिर बेनती की सतगुरु आ जिहड़ी खड़ाम कहन लगे जोड़ा तुसी रख लो कहन लगे फिर एक जोड़ा चंगा नहीं लगता मुकम्मल कर दिओ वो फिर महाराज का जोड़ा दिता जी वह जोड़ा हुण करिए कि इह वो दो ही से हो गए एक जोड़ा उन्हां कोले जिहड़े पहली विचो सन ते दूजा जोड़ा राणी की संतान कोल है दोवें एक जोड़ा सामभ के बैठे आ अज तक दोनों की अंश बंस अगे चलती है हलकिया कुत्ता वढ जाए कई शदाई हो जान मैं आप देखिया चांदी च मड़िया हजूर का जोड़ा जी वह मत्थे ते लांदे आ ते भरोसा ही तार दा ना जी वह गुरु अमरदास का जोड़ा मानसे दे नेड़े है जी शायद मैदेवास पिंड है फिरोजपुर वल ने वह जिथे जिथे उन्होंने परिवार ने जोड़ा लै जाते हैं उत्थे उत्थे मल कहिंदे आ उन्हां नूं मेरे कहण तों मुराद गुरु अमरदास बड़िया रहमतां करदे आ बड़े दयालू ने जदों गोइंदवाल साहब आप जाओगे जिथे बौली साहब जाना है उत्थे महाराज के घर जरूर जायो क्योंकि उत्थे वह थां है जिथे हजूर खलो के सारी रात बंदगी करते सन वह घर है जिथे गुरु अर्जुन देव का आगमन होया जिन्हों चबारा साहब कहने ये वह थां है जिथे गुरु रामदास जी ने प्याना किया है ये वह थां है जिथे गुरु अमरदास जी ज्योति जोत समाए आ ये वो थां है जिथे गुरु अर्जुन देव नू दोता बाणी का बोहता गया है ऐसे दीन दयाल धन गुरु अमरदास जी उन्हां दा अज गुरियाई दिवस भी जी जिहड़ा
इत्थे कल नूं दिन चढ़ना, मैं अज टाइम काफ़ी ज़्यादा तुहाडा लै गया, तो मैनूं पता सवेरे छुट्टी, मैं तां ही कम करी गया वां। तो करो कृपा जी, हुण नाम जप लईए थोड़ा जिहा जी। आपां बड़ियां गल्लां कीतियां, धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी, कल नूं इस शब्द नूं पूरा करांगी जी कि हों कुरबानै जाऊं मेहरबाना, हों कुरबानै जाऊं। करो कृपा सारे जी, उच्ची आवाज़ जपिया करो जी, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु। सारे कृपा करो, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु। कृपा करो, हाल गूंजना चाहिए जी, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु। 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 वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। वाहे गुरु,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਿਆਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਕ ਲੱਗ ਮਾਤਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ